हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने बहुत सुन रखा होगा सेल्फ़ लव करना चाहिए, सेल्फ़ लव मैनिफेस्टेशन के लिए सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रियल सेल्फ़ लव? क्या सिर्फ अपना मेकअप कर लेना, अच्छी ड्रेसेस पहना लेना, अपने स्किन की केयर करना, कहीं घूमने चले जाना, क्या यही सेल्फ़ लव है? सेल्फ़ लव का यही मतलब है? ठीक है, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए जो चाहें वो करना, अपने आप को प्रायोरिटीज़ देना, ये सेल्फ़ लव है। लेकिन एक्चुअली में जो मैंने जितना अब तक समझा है, सेल्फ़ लव का रियल मीनिंग है कि अपने आप को हर तरह की नेगेटिविटी से, किसी भी तरह के हार्म पहुंचाने वाली चीज़ों से खुद को प्रोटेक्शन देना, यही रियल सेल्फ लव का मीनिंग है। क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, तो इसे किसी भी, कोई भी ऐसी चीज़ जो इसे हार्म पहुंचाए, जो हमें दुख पहुंचाए, जो हमें हर्ट करे, जो हमें नेगेटिविटी दे, जो हमारे वाइब्रेशन को लो करे, उन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना सेल्फ लव का पहला क्राइटेरिया यही है। आपने गौर किया होगा कि बच्चों की केयर माँ किस तरह करती है कि उसे किसी तरह की तकलीफ ना हो, और अगर वो उसे किसी तरह की छोटी भी चीज़, उसे कोई अगर वो बीमार पड़ जाए तो जल्दी से जल्दी उसे ठीक करने के लिए वो जो चाहे वो कर लेगी। यही एटीट्यूड हमें अपने आप के लिए, अपने माइंड बॉडी एंड सोल के लिए यही एटीट्यूड रखना, यही सेल्फ लव का मीनिंग है। हम सब कुछ करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अपने आपकी एक्सटर्नली हम अपनी इतनी केयर करते हैं कि हमें अच्छी लुक्स चाहिए, अपने आप को अच्छे कपड़े पहन लिया, अच्छी क्रीम लगा लिया, मेकअप कर लिया, अच्छे ड्रेसेस ले लिया, और अपने आप को हर तरह से खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने आपको हर्ट किया और आप हर्ट हो जाते हैं, अपनी वाइब्रेशन लो कर लेते हैं, दिस इज नेवर एवर सेल्फ लव। सबसे पहले सेल्फ लव का क्राइटेरिया है कि मुझे हर हाल में खुश रहना है, मैं अपने आप की प्रोटेक्शन आप उस तरह से करें जिस तरह की एक माँ अपने बच्चे की प्रोटेक्शन करती है। किसी भी तरह की ना उसे नज़र ना लग जाए, उसे काला धागा बांध देगी, भले ही उसका कोई मतलब ना हो, उसे हर तरह की प्रोटेक्शन देगी कि उसे किसी तरह की नज़र ना लगे, उसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, उसकी तबीयत ना ख़राब हो, और अगर हो जाए तो दिन रात एक कर देगी। यही एटीट्यूड आपका अपने आप के लिए रहना, यही सेल्फ लव का पहला क्राइटेरिया है। सो आपको कोई किसी ने हर्ट कर दिया, नेवर एवर गेट योर सेल्फ हर्ट कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया। अगर आपने अपने दिल को दुख पहुंचाया, यू आर नॉट प्रैक्टाइजिंग सेल्फ लव। आपने अपने आप को हर्ट किया, दिस इज नेवर एवर सेल्फ लव, आपका यहीं पे शैटर हो जाएगा। इसलिए कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, हमें अपने माइंड बॉडी एंड सेल, अपने माइंड बॉडी एंड सोल के एक एक सेल, एक एक आर्टरी, एक एक वेन कि इस तरह से प्रोटेक्शन करनी है कि उसे इतनी सी भी खरोंच ना लगे, यही सेल्फ लव है। सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करें कि मेरे बॉडी के एक एक सेल को भी इतनी सी भी खरोंच ना लगे, मुझे आपको इतना सा भी स्ट्रेस नहीं लेना कि मेरे माइंड को के का एक न्यूरॉन पे हल्की सी भी खरोंच आए, इतना सा भी मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज सेल्फ लव यही है। यही जिस तरह से हम अपने बच्चे की केयर करते हैं, उससे हर तरह से हिफाजत करते हैं कि उसे किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचे, यही एटीट्यूड आपका अपने आप के लिए होना चाहिए। यही सेल्फ लव का सबसे पहला क्राइटेरिया है। ये नहीं कि अच्छे मेकअप कर लिया, अच्छे ड्रेसेस पहन ली, कहीं घूमने चले गए, पार्टी कर लिया, ये भी है, ये भी एक क्राइटेरिया है, बट मेन यही है कि अपने आप को इतना सा भी ना दुख पहुंचाना है, दुख पहुंचने देना है, ना इतना सा भी स्ट्रेस लेने देना है। अपने आप को हर तरह की नेगेटिविटी, चाहे वो आउटसाइड की हो, चाहे वो अपनी तरफ की हो, हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं कभी कभी दुख दे देते हैं। किसी इवेंट से हम अपने आप को हर्ट कर देते हैं, हमारा कुछ सामान खो गया, फॉर एग्जाम्पल मेरा फ़ोन टूट गया। फ़ोन तो एक्सटर्नली है, लेकिन अगर मैं उससे अगर मेरे दिल को दुख पहुंचा, तो ये हमारे अपने सेल्फ से ज़्यादा वो चीज़ कीमती हो गई, तो फ़ोन फिर से आ जाएगा,
हम अपने आप को इतनी देर के लिए भी तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि यही सेल्फ लव है, यही मेरा अपने आप से प्यार है, अपने माइंड से प्यार है, अपने माइंड बॉडी एंड सोल से यही पहला प्यार है कि हमें अपने आप को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना है, चाहे वो आउटसाइड से हो चाहे वो अपने आप से हो। सो अपने आप के नेगेटिव थॉट से भी अपनी प्रोटेक्शन करें, किसी आउटसाइड की नेगेटिव थॉट से भी अपनी प्रोटेक्शन करें, किसी सर्कमस्टांसेस की नेगेटिविटी से भी अपनी प्रोटेक्शन करें, अपनी हिफाजत करें, यही सेल्फ लव है।